दलबीर सिंह चौधरी मेरा नाम है। जहाँ तक मेरा मानना है, बच्चों को परीक्षा के दौरान एक तो अपने हैंड राइटिंग को बहुत ही साफ लिखना चाहिए, और बच्चे खासकर जो बच्चे ग्रामर का पेपर अटेम्प्ट करते हैं उन्हें ग्रामर के अंदर बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, और एप्लीकेशन आती है उनकी, उनका ऐसे आता है, इन चीज़ों के प्रति वो बेहद जागरूक हों और इसका एक पहले से ही तैयारी करके चलें। कुछ ऐसे कि देख लें किस प्रकार से लिखे जा रहे हैं, लेटर आते हैं, फॉर्मल आते हैं, इनफॉर्मल आते हैं, तो लेटर्स के बारे में पता कर लें, और एप्लीकेशन और अंतिम पैसे जो भी आती हैं चीज़ें उन चीज़ों विशेष रूप से वो लोग अच्छे से अटेम्प्ट करें। राइटिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें अंग्रेजी में, राइटिंग जरूर अच्छे रखें, बीच में गैप ना छोड़ें, क्वेश्चनों के बीच में गैप ना छोड़ें, सीक्वेंस में करें, बेशक जो प्रश्न आता है उसे पहले करें, किंतु प्रश्नों को सीक्वेंस में करें एकदम लाइन से। कुछ बच्चे जो दूसरे की कॉपी करने के ऊपर निर्भर हो जाते हैं या इस तरह का उसमें अपना दिमाग लगाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मुख्य रूप से कोई भी जो अध्यापक कॉपी चेक करता है वो इतना अनुमान लगा लेता है कि बच्चे ने किसी पासबुक से लिखा है उत्तर, या स्वयं बना के लिखा है, या किताब में पढ़ाई जाने वाली सामग्री का इस्तेमाल किया है, वो अध्यापक पता चल जाता है। तो ये मेरा मानना है कि बच्चा ज्ञान अर्जित करने के बाद यदि अपने शब्दों में कुछ लिखता है तो उसको अध्यापक सबसे श्रेष्ठ मानता है, उसको सबसे अच्छे अंक देता है। लिहाजा बच्चे को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने शब्दों में ही प्रश्न को लिखने का प्रयास करना चाहिए। कुमार गुप्ता, इस विद्यालय में जो है गणित के प्रवक्ता पर कार्यरत हूँ। जी बताएंगे, जो हाई स्कूल इंटर की परीक्षा जो देने वाले हैं, जो गणित का और साइंस का जो एग्जाम देंगे, ऐसे बच्चों को क्या चीज देंगे कि वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो और अच्छे अंक प्राप्त कर पाए? सबसे जरूरी तो ये है कि जो गणित में आवश्यक है कि उनको सूत्रों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। सूत्रों के पूर्ण ज्ञान ना होने की वजह से बहुत सी गलतियाँ कर जाते हैं जिससे कि उनके मार्क्स कट जाते हैं। अब तो स्टेप मार्किंग होने लगी है, पहले गणित में जो है पूरे पूरे नंबर काट लिए जाते थे, लेकिन अगर जो इस वक्त सूत्रों का ज्ञान करके उसमें सही तरीके से वैल्यू को पुटअप करेंगे, और चिन्हों की मुख्यतः गलती हो जाती है, प्लस की जगह माइनस कर दिया, माइनस की जगह प्लस कर दिया, उससे उसके अंक कट जाते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए यदि कार्य करें और सीक्वेंस में कार्य करें तो अच्छे नंबरों को वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर बात करें साइंस में, तो साइंस में किस तरह की उनको तैयारी करनी चाहिए? साइंस की वजह, साइंस में ये है कि जो है न्यूमेरिकल पार्ट्स जो है पेपर में काफ़ी रहता है, फिजिक्स से संबंधित जो है और केमिस्ट्री से संबंधित न्यूमेरिकल पार्ट्स की अच्छी तैयारी करें, जिससे कि जो है अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज से भी बचना पड़ता है, कम लिखना पड़ता है। ऐसी कौन सी आप उपाय बताएंगे जिससे कि बच्चा उस समय अगर पढ़ाई करे तो उसको ज़्यादा दिमाग में उसके में अगर वो फीड हो सके? क्योंकि अंतिम समय में छात्रों पर जो तैयारी करते हैं उसमें यही रहता है कि उन्होंने जो पहले से अपनी तैयारी की होती है उनको ही बार बार रिवीजन करें, क्योंकि नई चीज़ों का रिवीजन करने से या नई चीज़ों को पढ़ने से वो उतना अच्छा प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो उनको पुरानी चीज़ों को रिवीजन करने से, और एक प्लानिंग के तहत अगर वो पढ़ाई करें कि जिससे ये देखें कि किस पार्ट से हमारा ज़्यादा आता है, उस पार्ट्स को यदि वो तैयार करते हैं तो निश्चित ही वो सफलता को प्राप्त करें। अगर बच्चा मान लीजिए कुछ याद करता है या अपना रिवीजन करता है तो वो सोने से पहले करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, सोने के जगने के बाद? देखिए, मेरा मानना है इस तरह का ये बच्चे के ऊपर निर्भर करता है कि उसको अगर देर रात तक जागने की प्रवृत्ति है और सुबह वो जल्दी नहीं उठ पाता है तो पता चला कि उसको जल्दी उठाएंगे तो वो भी अच्छी रीडिंग नहीं कर पाएगा। तो ये तो बच्चे को अपने आप को मेंटेन करके देखना पड़ता है कि उसको वो उसको किस तरह की हैबिट्स है शुरू से, उसी के हिसाब से स्टडी करें। मेरा इसमें मानना नहीं है कि सुबह या रात को वो देर तक स्टडी करता है तो उसे कुछ ज़्यादा लाभ होगा।